ठीक है सब लोग बैठो और रिलैक्स करो थोड़ी देर। ये लो चाय पियो। थैंक यू सर। हाँ थैंक्स, डिलीशियस मैं है। खुश हूं तुम मुझे पसंद आई। क्या तुम एंडी की गर्लफ्रेंड हो? हाँ बिल्कुल। हे जिल, तुम्हें उन्हें फाइल्स के बारे में बताना चाहिए। हाँ इन फाइल्स को देखो। ये क्या है? यही तो डॉग और जेलीफिश है जिन्हें मैंने देखा है। मैंने भी यही सोचा। मुझे याद था तुमने इनके बारे में बताया था। तो वो जेलीफिश थी जो मैक को कंट्रोल कर रही थी। कोई आदमी नहीं, वो एक स्पेस जेलीफिश थी जो सर पे चढ़ती थी। अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब लोग सेफ रहेंगे। तो अब तुम मेरी बात मानती हो? मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मुझे इसकी सजा दूसरों ने दी। चिंता मत करो, हो जाएगा। हाँ सच में, पर एक प्रॉब्लम है। हम इस जेलीफिश के बारे में कुछ नहीं जानते। वो क्या चाहती है, कहाँ से आई है और क्या कर रही है? इसमें भी एक तरह से मेरी गलती है। ये एक लंबी और कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन उसने किसी तरह से मेरे माइंड को कंपटीशन के टाइम पे कंट्रोल किया था। लेकिन मैं लकी हूँ कि मैंने उसे मेंटली बीट कर दिया, पर उसने मुझे फिर भी हरा दिया। मतलब वो टाइनी मशीन लोगों के माइंड को कंट्रोल करती है, मतलब काबू। ये तो डेंजरस है, हमें उसे खोजना होगा। बोलो एंडी, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से शुरू करूँ। क्या अर्थक्वेक आया है? नहीं नहीं असल में ये घर बहुत पुराना है, काफी हिलता है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, हम आपके साथ आएंगे। बैठो, मत उठो। दुनिया में सबसे ज्यादा दादागिरी करने वाली लड़की है ये। एंडी, मैंने सुना तुमने क्या कहा, पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ब्रेकफास्ट। मुझे विश्वास नहीं होता एंडी अभी तक सो रहा है। मैं उसे जाके उठाती हूँ। टोथी और जिल, थैंक यू, लेकिन मैं तुम लोगों को इस सब में फंसाना नहीं चाहता, और ग्रैंडपा को भी नहीं। मुझे अकेले ही जेलीफिश को पकड़ना होगा। मुझे घर से बना ब्रेकफास्ट खा के जाना चाहिए था। काश मुझे यहाँ कोई क्लू मिल जाए। क्या मुझे टिकट खरीदना होगा? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये काफी नहीं होंगे शायद। हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं किसी को ढूंढ रहा था। और वो कौन है? उसका नाम क्या था? हीरो नाम है उसका, और वो हमारा दोस्त है। आज उसका ऑफ डे है, वो कौन? अच्छा, ठीक ठीक है, मुझे चलना होगा। मैं जा रहा हूँ भाई। मुझे लगता है चलो यहाँ पर स्वादिष्ट खाना मिलता है। आइए आइए, आपके लिए है। आइए आइए, अच्छी स्मेल आ रही है। आइए, ये स्टीम बन खाइए। आइए, ताजे ताजे स्टीव बन खाइए।
ये लीजिए। ये कितने का है? 2 रुपए का। बचाओ बचाओ, कोई उसे बचाओ, माय बेबी, अंदर जाओ, विंडो के पास मत आना, मदद करो, कोई तो मदद करो। बेटा तुम गिर जाओगे, घर के अंदर चले जाओ, कोई तो मेरी मदद करो। मैं आ रहा हूँ। संभाल के बेटे, बेटा तुम गिर जाओगे, वापस जाओ। तुम कहाँ हो? वो कभी टाइम पर नहीं आती। क्यों नहीं? वो कुछ काम की ही नहीं है। मैं यहाँ हूँ बेबीज। ओ ये वाह, तो तुम यहाँ हो। अच्छा तो तुम वहाँ हो। मैं अभी आया। अरे संभल कर, कहीं तुम गिर ना जाओ। Dog meet your night in action. Yeah. अभी भी नहीं सुधरा। बेटा नीचे, बेटे संभल कर। अरे अरे इन्हें क्या हुआ? बेटा नीचे मत आना, संभल कर। स्पेशल पावर एनर्जी। संभलो। ये अच्छा काम किया, बहुत अच्छे। मेरे बच्चे तुम ठीक तो? मम्मी। वो काफी क्लोज था, लेकिन ये डार्क मीटियर नाइट इन एक्शन है। हाँ ये बकवास एक्शन करता है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब हीरो है डार्क मीटियर नाइट। मेरा नाम याद रखना, मैं हूँ डार्क मीटियर नाइट, मत भूलना। बाय बाय। हीरो। और इसीलिए मुझे जेलीफिश को ढूंढना है। तुम जिन सुपर फोर्स गाइस की बात कर रहे हो, क्या मैंने उनके बारे में सुना है? बस मजाक मत करो, हम इसी वजह से इस कॉन्टेस्ट में हैं, क्योंकि तुम सुपर फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। हाँ। क्या तुम सीरियस हो? जरा रुको, मैंने अपने लिए कुछ खाना लाया है। क्या तुम इसमें से कुछ खाना पसंद करोगे? सॉरी, मुझे भूलने की आदत है। क्या तुम ठीक हो? मुझे कभी कभी टेम्पररी एमनेशिया हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं मुझे अपने साथ किताब हर वक्त रखनी चाहिए। मेरी किताब कहाँ है? बस करो,
तुम डार्क मेटियर नाइट कैसे बने वो बताओ मुझे। मुझे सोचने दो। मुझे याद करने दो। हाँ वो जगह नहीं थी। हाँ कंपटीशन के बाद में मैं बीमार पड़ गया था, एक वीक तक बेड पर था और उस समय सिर्फ एक ही सपना देखता था कि मेरा जन्म धरती को बचाने के लिए हुआ है। इतनी बार यह सपना देखा कि मुझे विश्वास होने लगा, तो मुझे लगा मैं रिचार्ज हो गया हूँ, मुझे लगा मैं एक न्यू मैन बन गया हूँ, हीरो मैन। ऐसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। उसी रात मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि मैं दुनिया का स्मार्टेस्ट सुपर हीरो हूं। डार्क मेटियर नाइट, लोगों की मदद करना ही मेरा काम है। कॉस्ट्यूम तो बन चुका था लेकिन मुझे पता नहीं था मैं इसमें सुपर हीरो दिखूंगा या नहीं। लेकिन हाँ मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे एक ऐसा स्लोगन चाहिए जो याद रखने में जरा आसानी हो, जिसे मैं जोर से बोलूंगा। अरे रुको मुझे मेरा खाना लाना है, मैं अभी आया। कभी टाइम हो तो मुझसे मिलने आना। ठीक है चलो मैं अभी चलता हूँ, बाय बाय बाय। एक सेकंड रुको, अरे रुकना जरा। दोस्त क्या अभी भी तुम उस जेलीफिश को ढूंढ रहे हो? उसमें मेरी मदद लगे। नहीं 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 थैंक यू, मैंने अभी अभी अपना एक प्लान बनाया है। ये सब झूठ है, कोई प्लान नहीं है। नहीं 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 नहीं, अरे डार्क मेटियर नाइट तो मैं हूँ, लोगों की मदद के लिए। नहीं ठीक है। अरे रुको। थैंक यू। ठीक है। Oh, yeah! उस दिन मैं उस डॉग का पीछा कर रहा था पर न जाने वो कहां से गायब हो गया। पर जब तुमने उसे आखिरी बार देखा तब रात थी, इसका मतलब यह है कि वो यहीं आसपास था सारी रात, और इसका मतलब यह है कि वो इस जगह को अच्छी तरह जानता है, तो मेरे आइडिया से वो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। लगता नहीं है कि अब वो यहाँ पे है। hey, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? हाँ मैं एक डॉग की तरह सोच रहा हूँ, किस तरह से हम उसे जल्दी ढूंढ पाएंगे। एक चीज तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, ये डॉग दो पैरों पर चलता है। तुम्हें क्या पता मैं कुत्ता लग रहा था या कुछ और। मुझे लगता है हम जरा सा लेट हो गए हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ इसे देखो, ये कुछ अलग नहीं दिखने में, जरा ध्यान से देखो इसे, कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ पर भी है ये पिक्चर। तो तुम क्या कर रहे हो? मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तुम बहुत भारी हो। ये एक सिंबल ही है, पर इसका मतलब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हीरो, हाय। अब हम कहाँ आ गए? अगर ये सीक्रेट बेस नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कि ये क्या है। ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है।
हे एंडी, वहां देखो। हीरो, क्या ये एक सीक्रेट बेस है? ये देखो, ये रही जेलीफिश। क्या? शांत रहो, उस तरफ से कोई आ रहा है। हीरो, एक मिनट, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हे एंडी, तुम भी यहाँ हो? क्या कोइंसिडेंस है। चुप रहो, शांत रहो। ए, रुको, मत जाओ। अरे मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट टाइम, क्या टाइम है? यहाँ आओ सब लोग, प्लीज यहाँ आओ। सुनो दोस्तों, मेरे पास आपके लिए अच्छी न्यूज है। सही कहा, जीत हमारे काफी करीब है। हम सब जीत की तरफ जल्दी बढ़ रहे हैं और हमारा गोल हमारी आंखों के सामने है, तो मेरे साथ आज सेलिब्रेट करेंगे। मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं उनके साथ हाई फाई कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी उनके जैसे बन रहा हूँ। प्लीज नहीं। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैं उनके जैसे कभी नहीं बनना चाहता हूँ, कभी नहीं। आओ, कोई बात नहीं, मुझे हग करो। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अकेला लगता है और ये तो मौत से भी बुरा है। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तलाश थी। क्या यहाँ किसी को तैरना आता है?